Om Shanti, Avyakta Murli, 28th October 1975. प्रश्न है, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? प्रश्न है, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? प्रश्न समझ में आया क्या? बाप से जो शक्तियां प्राप्त हुई है वो प्रैक्टिकल जीवन में उसकी क्या निशानी दिखाई देगी? जिसके पास शक्तियां है वो कैसी उसकी चलन या उसके व्यवहार से कैसे दिखाई देगा? वो निर्भय होगा। और हल्दर भाई, जिसके पास शक्तियां है वो कैसा होगा? वो अचल और अडोल होगा। जिसके पास शक्तियां है वो कैसा होगा? वो बलवान, शक्तियां है इसलिए बलवान, और स्थैर्यम होगा, और नशा रहेगा, शक्ति का नशा, शक्ति का नशा एवर रेडी रहेगा, और निश्चिंत रहेगा क्योंकि शक्ति है उसके पास है, और खुशी रहेगी, और हर बात में सफल होगा, और धैर्यता होगी, धीरज, और जो शक्तिशाली है वो क्या होगा? हर कार्य उमंग उत्साह से करेगा, और किसी के अधीन नहीं होगा, अधीनता समाप्त हो जाएगी। दूसरों को मदद करेगा किस बात में? शक्तिशाली बनने में, और हर कार्य में सफल होगा, यथार्थ निर्णय करेगा, और हार का डर नहीं होगा, फियर ऑफ फेलियर, और अकेला चलेगा, और भरपूर रहेगा, और हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। उत्तर है, शक्तिपन की निशानी है साइंस ऑफ पावर। कहीं भी किसी में आसक्ति ना हो, कहीं पर भी क्या होगा? अटैच नहीं हो जाएगा। अटैच हुआ, बंधन चालू, हवा की तरह सब जगह, परंतु कहीं पर अटैच नहीं, कहीं पर रुकने वाला नहीं। रुक गया तो गया, तो रुकेगा नहीं, बहता रहेगा अनासक्त। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। ये दूसरी निशानी है सेवा। तीसरी निशानी है उन्हें शक्तियां देने वाला बाप, और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती है। ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। तो शक्तिशाली आत्मा की तीन निशानियां हैं। एक निशानी अनासक्त, दूसरी निशानी सेवा में संलग्नता, तीसरी निशानी एक बाप याद रहेगा और उससे प्राप्त हुई शक्तियां याद रहेगी। तो तीन निशानियों में से सबसे पहली निशानी है अनासक्ति, डिटैचमेंट, न्यारापन कहो, पर कहीं पर भी नॉन अटैचमेंट, कोई भी जगह पर अटैचमेंट नहीं। और यदि अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट से मुक्त कैसे हो? अटैचमेंट से मुक्ति का मार्ग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैच, अहंकार, पंज चोर कहा गया है इन्हें। ये इस तरह का पांच विकार, पंज चोर, ये वर्णन सिख धर्म में आता है। सारी मुरलियों में बहुत सारी चीजें जो आई है सिख लिटरेचर उसमें है, वेदों में भी इसका वर्णन है, पर इस तरह से नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु ग्रंथ साहिब में कई बार ये रिपीट हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चढ़दी कला, ऐसे जो सारे शब्द है वो सिख लिटरेचर से आए हुए हैं।
वेदों में भी काम, क्रोध, लोभ, फिर मद, मत्सर, इस तरह के शब्दों का वर्णन बीच में आता है। इवन ग्रंथ साहिब में भी कई जगह पर लास्ट दो है उनको रिप्लेस किया गया है कुछ और शब्दों से, मद या मत्सर से या गुमान से, अहंकार की जगह गुमान शब्द आया है। सेवा, ये जो शब्द मुरलियों में आता है ये भी सिख लिटरेचर से आया है। पांच विकार, पंज चोर, फाइव थीव्स, ये कॉन्सेप्ट जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, परंतु सीधा इस क्रम से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो आया है ये सीधा सिख लिटरेचर से आया है और बहुत सारी बातें वहीं से आई हुई है। ये सेवा जो शब्द है वो भी वहीं से आया हुआ है कि सेवा करो, क्या कहते हैं, लंगर, तो ये सारा उधर से लिए हुए शब्द है। इसलिए जो साउथ के लोग हैं या फिर दूसरे जगह के हैं उनके लिए मुरलियों के शब्द एकदम अजीब से है। जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए भी नए शब्द है, क्योंकि जिनों को सिख लिटरेचर पता नहीं, जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है सब, पर जिनको बिल्कुल पता नहीं है उनके लिए मुरली के बहुत सारे शब्द अलग अलग है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पहला वर्ज, पहली जो चीज है वो है अनासक्ति। तो अनासक्त कैसे हो, उसकी विधि क्या है आशीष भाई? एक व्यक्ति है जो एक वस्तु से या व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैच है, ए जो है वो बी से इतना अटैच है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता। ए जो है वो बी से इतना ज्यादा अटैच है कि उसको बी सबसे बहुत ही अच्छा लगता है, बी के बिना रह ही नहीं सकता। आ को बा से इतना ज्यादा प्यार है कि बस बा 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 करते रहता है। बाबा मतलब वो वाला बाबा नहीं वो वाला बा सो आ को बा से इतना ज्यादा प्यार है कि जब देखो तब बा 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 करते रहता है, उसी की बातें करता है, उसी की चर्चा करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी का वर्णन करता है, उसी से बात करना अच्छा लगता है, बाकी किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, उसी से अपने दिल की हर बात को शेयर करता है। ऐसा उसका साथी, उसी की कंपनी, उसी की सोहबत, सब कुछ उसी से साझा करना, ये ऐसी जबरदस्त आ सकती है। अभी क्या करे बोलो, इसके बारे में एक भी निगेटिव पॉइंट सुनना नहीं चाहता है। अगर सुनाया तो आप शत्रु बनोगे जबरदस्ती अलग कर दो तो प्यार और बढ़ेगा। जितने यही तो किया है संसार ने आज तक, दोनों को अलग करने की कोशिश की तो प्यार तो और बढ़ा, कम नहीं हुआ, वो अमर हो गए इतिहास में नहीं तो अमर नहीं होते। अगर लैला को मजनू मिल गई होती तो हो सकता है विद इन 3 months 6 months तलाक हो सकता था क्योंकि बाद में कुछ सच्चाई और ही थी, कुछ और ही पता चलता था, उसके गुण अवगुण सब कुछ सामने आ जाता था। वो नहीं मिली इसलिए प्यार तो और बढ़ता रहा, मिल गई होती तो इतिहास कुछ और होता। सबसे पहला है अनासक्त होने के लिए, आसक्ति से मुक्त होने के लिए, फर्स्ट थिंग दोष दृष्टि। दोष दृष्टि, जिस चीज में, जिस खान पान में, जिस स्थान में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस समय में, जिस कालखंड में आ सकती है, एक समय जीवन का था उसी में आ सकता है, उसी को याद करते रहते, अरे हम जो तब थे ना बहुत अच्छे थे, समय में आ सकती, स्थान में आ सकती, ये स्थान अच्छा नहीं, वो स्थान में थे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, ये स्थान में पता नहीं क्या है, ये सेंटर अच्छा नहीं, कलराठी जमीन, उस जमीन में जब थे वहां सेंटर भी बहुत लोग आते थे, यहां अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। तो आसक्ति स्थान में भी हो सकती है, समय में हो सकती है, व्यक्ति में हो सकती है, प्रकृति में हो सकती है। वो मौसम चाहिए, ये मौसम एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में पुरुषार्थ चालू करेंगे, ये ठंड थोड़ी कम हो जाए उसके बाद, ये बारिश थोड़ी रुक जाए, बारिश ने बाधा डाली है पुरुषार्थ में, नहीं तो हम भी कोई कम पुरुषार्थी नहीं है निखिलेश भाई। तो पहली चीज है दोष दृष्टि, उसके दोष देखना, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में मोह होता है, आसक्ति होती है, तो ऐसा वो छा जाता है चित्त की भूमि पर,
कि उसके अवगुण देखना ही बंद हो जाता है। दूसरे आके सुनाते हैं, उसके बाद में भी हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, हमको वो अच्छा ही दिखता है, सारी दुनिया उसमें समा जाती है। अभी और भी स्टेप्स है, और भी स्टेप्स है। तो सबसे दोष दृष्टि अर्थात जिस एक व्यक्ति है एक प्रकार का खान पान कर रहा है और उस खाने से वो बार बार बीमार भी पड़ता है, फिर भी उस खाने को छोड़ नहीं पाता है क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा है, उसको चिंतन करना पड़ेगा उसके दोष के बारे में, उस भोजन के दोष के बारे में। एक व्यक्ति से आसक्त है, उस व्यक्ति के आसक्ति की वजह से जो अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है, सोचो अगर उसका फोन अर्जेंट हमें बात करनी है और उसका फोन स्विच ऑफ है, कितनी बेचैनी है। उसी को बताना है और वो फोन ही नहीं उठा रहा है, कितनी बेचैनी है। और हमने उससे कोई आसक्ति रखी और उसने वो ना की, वो चीज ना की, तो डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। वो उस दिन वो एक यहां की कोई नहीं, दोष देखना वो नहीं लाना है यहां पे, अब ये दूसरा है, गुण देखना, विशेषता देखना वो नहीं, हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स फाइंड करना, ये टॉपिक ही अलग है, क्योंकि यहां ऑलरेडी बड़ा विकार है, मोह बहुत बड़ा विकार है, प्रेम नहीं है, मोह में फंसी है आत्मा, मोह से बाहर निकलना है उसको, और उसको खुद भी पता है मैं मोह में फंसी हूं, वो कैसे बाहर निकले, उसको समझ में आ रहा है इस मोह की वजह से डिस्टर्बेंस है, बहुत बेचैनी है, उसको बाहर निकलना है, उसको फिर उस व्यक्ति के दोष देखने पड़ेंगे कि उसमें ये है और उसमें ऐसी कौन सी विशेषता, ये विशेषता तो सब में है, क्योंकि उसमें ही सारी विशेषता दिखाई देने लगती है। हम ये भूल जाते हैं कि ये विशेषता है दूसरों में भी है और ये उसके सामने तो कुछ, ये तो साधारण सा व्यक्ति है, वो असाधारण सा हो जाता है हमारे लिए, प्रेम का केंद्र बन जाता है, सारी आसक्ति, सारा प्रेम, सारा प्यार, सारी महिमा, सारी प्रेज उसी के लिए। उसको दुख होता है तो हमको दुख, उसमें उसको कम रिकॉग्निशन तो हमको कम, हमको कुछ कुछ होता है। उसको अगर किसी ने डांट दिया तो आशीष भाई ऐसा लगता है मुझे ही डांटा है दिल में दर्द, यहां पर टीस उठती है उसकी, तो उसका वो संसार है। तो सबसे पहला दोष दृष्टि, ये साधारण है, इसमें जो गुण है कोई खास गुण नहीं है, ये तो सब में है, कॉमन है बहुत, ये साधारण व्यक्ति है। ऐसे तो कितनी सारे भाई है अच्छे, इससे भी, ये कोई एक ही बहन थोड़ी ना, एक ही भाई थोड़ी ना है, इससे भी अच्छे अच्छे है। एक दूसरा वो तो बिजी तो है पर बिजी रहते रहते याद उसी की रहती है आसक्ति तो जिसको भी आसक्ति है, सब सेवाओं में बिजी है पर एक दूसरे की आसक्त है, फंसे हुए एक दूसरे में, अंदर ही अंदर उनके उनसे प्यार है, चिंतन चालू है। दूसरा है डिसएडवांटेजेस, एक तो दोष दृष्टि बताया, दूसरे डिसएडवांटेजेस, नुकसान इससे क्या क्या है उसका चिंतन करना। ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो संबंध है, ये जो आसक्ति है, ये जो लगाव है, ये जो प्यार है, श्रीमत विरुद्ध जो प्यार है, ये जो चल रहा है संबंध लंबे समय तक, फोन कॉल्स, मैसेजेस, ये जो भी चल रहा है, ये सब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सोचना, कि इससे नुकसान ही नुकसान है, पारस्परिक बंधन है, हम उसमें फंसे हैं, वो हम में फंसा है, हम उसको अपने में फंसा रहे हैं, वो हमको अपने में फंसा रहा है। आज की मुरली में है ना, जब तुम बाप को याद करते हो तो विश्व को पावन बनाते हो, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है आज ही केस में है शायद, जब तुम बाप को याद करते हो, जब तुम बाप की याद में रहते हो तो विश्व को पावन बनाते हो। इसका अर्थ जब तुम किसी और को याद करते हो तब विश्व को कम पावन बनाते हो या पावन नहीं बनाते हो,
दूषित कर रहे हो एक रीति से। मुरली में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, जब तुम बाप को याद करते हो तो विश्व को पावन बनाते हो, दुनिया पवित्र बनती है। कैसे सोचना है इसके विषय में, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से होगा ये काम। तो दूसरा है, पहला निगेटिव, पहला तो दोष दृष्टि, दूसरा डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या हुआ इस संबंध की वजह से। अगर ये नुकसान जो 5 वर्ष से चल रहा है, 3 वर्ष से चल रहा है, 10 वर्ष से चल रहा है, अगर ये ना होता और इसमें ये जो डिस्टर्बेंस हुआ अप डाउन ये ना होता, तो मेरा पुरुषार्थ कहां होता आज, शायद बहुत आगे होता, सब वेस्ट। हाँ, फिर उसके बाद में तीसरा, उसकी व्यर्थता के बारे में सोचना, उसकी व्यर्थता के बारे में, ये व्यर्थ है, जिसको मैंने समर्थ समझ रखा है ये व्यर्थ है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें झूठ है। फर्स्ट में हम दोष दृष्टि देख रहे हैं, उसके अवगुण, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या जो भी चीज है, यहां पे हम उसकी व्यर्थता का चिंतन कर रहे हैं। इट्स वेस्ट, इट्स व्यर्थ, एक है समर्थ एक है व्यर्थ। इस जैसे उसकी फ्यूटिलिटी, उसकी व्यर्थता का पता चलता है, हम चीजों को छोड़ देते हैं, मेरे कुछ काम की नहीं है ये जो चल रहा है संबंध, ये व्यक्ति, ये प्रेम, जिसको हम प्रेम कह रहे हैं, नहीं प्रेम, मोह है, पर संज्ञा प्रेम की दे रखी है या सेवा की दे रखी है और उसी को चला रहे लंबे समय से, तो व्यर्थ। अगला, उसको मूढ़ता समझना, फुलिशनेस समझना, बेवकूफी समझना, मेरे जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी या क्या क्या है। बुद्धू बुद्धि, कल बोला ना। बुद्धू बुद्धि तो बेवकूफी है ये, दिस इज अटर फुलिशनेस ऑफ माई लाइफ, बचकाना है, चाइल्डिश है। आज बोला ईश्वरीय बचपन को भुला ना देना, बट ये जो बच, ये जो हरकतें है सारी चाइल्डिश है, बचकानी हरकतें है, ये आसक्ति बचकानी है, इट इज चाइल्डिश, इट इज स्टुपिडिटी, महामूर्ख की कैटेगरी में हम जा रहे हैं ये करके, ये सारा सोचना है। तो बचकाना, व्यर्थ, दोष दृष्टि, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग के फायदे, टॉपिक अच्छा है। इतना आसान नहीं है, जिसकी आसक्ति है वो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग करता है, फिर से पॉजिटिव हो जाता है, फिर से पॉजिटिविटी का फ्लड आ जाता है और वो नेगेटिव खो जाता है, फिर से आसक्ति हो जाती है उसको, उसे पता है इसके प्रति मुझे थोड़ा दूर जाना है इससे, इससे डिटैच, झगड़ा करते हैं, पर झगड़ा करने के बाद प्रेम और बढ़ जाता है, फिर सॉरी सॉरी की लेन देन चालू हो जाती है, वो उधर से सॉरी है, इधर से सॉरी, वो उधर से सॉरी है, इधर से सॉरी, फिर प्रेम जो पहले हल्का फुल्का था और प्रगाढ़ हो जाता है, मैच्योर्ड लव, जिसमें ये अप्स एंड डाउन्स विल मेक देयर लव मोर मैच्योर। पहले तो हल्का था, पर झगड़े बिगड़े होने के बाद प्रेम और बढ़ जाता है। इसके लिए नो रिस्पॉन्स, ये पॉलिसी है ना, तो ये बताओ कि आई एम हर्ट और ना ही सामने वाले ने बताया आई एम हर्ट, तो इट्स ओके। ये ओके कहना भी उसका मोह बढ़ाएगा, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि मोह के पास, मोह की लकीरें, जंजीरें कब जकड़ ले वो व्यक्ति को तब पता चल जाता है जब पाश में होता है, फंस जाता है पूरा, उसके बाद ही वो कोशिश करता है अब छूटू, और जितना छूटने का कोशिश करता है उतना और फंसता है। तो नेगेटिव थिंकिंग, दोष दृष्टि, व्यर्थ समझना, निराश हो जाना उससे, ये भी एक मेथड है, गेट डिसअपॉइंटेड विद दैट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में कोई संतुष्टि नहीं है, निराशा का आह्वान करना। हम वो लोग हैं जो ऑप्टिमिज्म सिखाते हैं दुनिया को। ये सब करना पड़ेगा, होगा, एकांत में बैठकर करना पड़ेगा, जो उसमें फंसा हुआ है उसको अगर निकलना है उस मोह से तो उसको सब करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा अवगुणों की लिस्ट, उसको दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, उसको साधारण समझना पड़ेगा, बेवकूफी है,
दिस इज फुलिशनेस, मूढ़ता है जीवन की, ये सोचना पड़ेगा। और ये भी सोचना है वेस्ट क्या क्या हुआ, टाइम, एनर्जी, मनी, थॉट, सबसे महत्वपूर्ण है थॉट वेस्ट हुआ, कितने थॉट वेस्ट चले गए। अगर वो सारे थॉट ज्ञान के चिंतन में लगाए होते तो आज स्थिति बहुत ऊपर होती। टाइम गया बातें करने में, मैसेजेस करने में, अगर वो सारा टाइम इधर लगाया होता तो स्थिति ऊपर होती। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ थॉट, वेस्टेज ऑफ इमोशंस, इमोशंस कमजोर हो गए, वो इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते थे, परिपक्व अवस्था। परसों मुरली में था ना प्रश्न, क्या विधि है, प्रश्न था परिपक्व अवस्था बनाने के लिए क्या करो, तीन चीजें चाहिए, संडे नहीं साकार मुरली, प्रश्न था नष्टो मोहा, ममत्व नहीं हो, ममत्व है तो अवस्था नहीं बन सकती, सीधा बोल दिया बाबा ने, निरंतर याद, ममत्व नहीं, और ये और तीसरा अवर्शन थेरेपी इसको कहा जाता है। कोई सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको अभी छोड़ना है दारू और सिगरेट, कैसे छोड़ेगा, घृणा उत्पन्न करनी पड़ेगी उस दारू और इससे, एकदम मन में घृणा, इतनी घृणा उसको उत्पन्न करनी पड़ेगी कि उसका स्मेल, उसका वो स्मोक भी मुझे टॉलरेट नहीं होता है, ये भाव लाना है। अगर कोई दूसरा स्मोक करता है तो मैं नहीं रुक सकता, ऐसे विचार उसको करने पड़ेंगे मन ही मन, अंदर से इच्छा हो रही है लू 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 पीऊ, परंतु विधि है अवर्शन थेरेपी, अवर्स हो जाए, हेट्रेट नफरत उत्पन्न हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए उसके लिए, उस विकार के लिए घृणा उत्पन्न हो जाए, विष है काम के लिए घृणा, विष है वो, पॉइजन है ये, सुख जो मिल रहा है उसमें से क्षणभंगुर है, अभी आया और गया, सुख है परंतु वो सुख अपने साथ कितने सारे दुखों को ला रहा है, फ्रस्ट्रेशन को ला रहा है, विकार का सुख। महात्मा गांधी ने जिसको गुरु समझा है, रायचंद भाई, उनकी ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर है राजा चंद, रायचंद भाई, वो जो राजा चंद या रायचंद जिसको कहा है उन्होंने, उसका जीवन ऐसा है, वो व्यक्ति अपने युवा काल में इतना प्रसिद्ध हुआ था, 100 चीजें एक साथ करता था, शत उसको कुछ कहते हैं, 100 चीजें एक साथ, बहुत बुद्धिमान, फिर शादी हुई, फिर धीरे धीरे उसको सब चीजों से वैराग आ गया। उसने उनके अपने जीवन कहानी में बहुत सारी चीजें लिखी है रायचंद भाई ने, कि कैसे उसको एकदम से विकार के प्रति घृणा आई, वर्णन किया है, और विरक्त हो गया वो सब चीजों से, पत्नी से, वो सारा परिवार जो भी था उसको। When you understand the futility, उसकी व्यर्थता, उसका बचकानापन, उसकी मूर्खता, मूढ़ता, बेवकूफी, उसके नुकसान, ये सब जब व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, चाहे वो धन हो, धन की आसक्ति हो, और धन में का जो भंवर है जिसमें व्यक्ति फंसता है, उन सब से विरक्त जब तक नहीं होता तब तक उस चक्कर से बाहर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें है अनासक्त बनने के लिए, और जो अनासक्त है वो शक्तिशाली है, जो अधीनता से मुक्त है वो शक्तिशाली है, जो जितना अधीन है वो कम शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्या बताया, पहला था अनासक्ति, डिटैच्ड, अनासक्ति को डिटैचमेंट न्यारापन को कहते हैं, अनासक्ति अर्थात नॉन अटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट वैराग को कहते हैं हम लोग अपनी बाबा की जो भाषा है, परंतु वैराग के लिए अच्छा शब्द है डिस्पैशन, जो शास्त्रों में प्रयोग किया गया, डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट वैराग, अनास, डिस एडवांटेजेस, चिंतन करना, ये सारी विधि है अनासक्त होने की। हमारी पहले तो ये चेकिंग करनी है, मेरी किसमें आसक्ति है, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई चीज है, वो चीज कल नहीं रहेगी तो मैं दुखी होगा, ये चीज अगर मुझे चाहिए, अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी है, ये जब आंखें जब तक नहीं देखती तब तक चैन नहीं मिलती तो ये चीज कितनी व्यर्थ है और कितनी साधारण है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, मैं व्यर्थ ही उसको विशेष बना के रखा हूं, सारे गुण उसमें दिखाई दे रहे, इसमें भी कोई गुण है तो
वो याद आना, उसकी मदद भी लेना, परंतु अनासक्त भाव से मदद लेना। जैसे हम अपने कार्य व्यवहार में कितने लोगों की मदद लेते, तो क्या हम उनसे अटैच है? हम अटैच नहीं है, मदद ले रहे हैं पर अटैच नहीं है। आप कितने लोग हमसे मिलते हैं, ओम शांति करते हैं और चले जाते हैं, तो हमारे अच्छे संबंध है उनसे। पर सोचो जो हमसे, उससे हम ज्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ाए, फैमिलियरिटी हो जाए, फिर एक्सपेक्टेशंस आएगी, फिर दुख आएगा। इससे तो पहला जो संबंध था वही अच्छा था, अभी ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा दुख है। न्यारापन लगभग सेम है। न्यारापन डिटैचमेंट, अनासक्ति इज नॉन अटैचमेंट, फोकस इज मोर ऑन अनासक्ति। न्यारापन पॉजिटिव शब्द है, अनासक्ति में जैसे अलोभ, अकाम, अचौर्य, इसमें अ जोड़ा, अब्रह्मचर्य विकार के लिए, मतलब अ अ जोड़ा, तो दिस इज निगेटिव वर्ड, कि जिसमें फोकस इज मोर ऑन आसक्ति, कि आसक्ति से मुक्त हो जाओ क्योंकि दुख देगी। तो आसक्ति, दूसरा बताया ये नहीं, इधर शक्ति की निशानियां, शक्ति की निशानियां, पहला अनासक्ति, दूसरा सेवा, सेवा में बिजी रहना है, सेवा में जितना जो बिजी है उतना व्यर्थ से मुक्त है। सेवा छोड़ के बैठा हुआ है यह सोच के कि मैं ज्ञान योग करूंगा, वो ज्ञान योग रह जाएगा बाजू में, कुछ और आ जाएगा जिसको कभी सोचा ही नहीं था। बिल्ली रखी और गृहस्थी चालू हो गई पूरी। लास्ट तीसरा, बाप को याद करना और शक्तियों को याद करना, कि मेरे पास ये शक्तियां हैं। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। शक्ति को याद करना तो शक्ति इमर्ज होगी। मैं हूं शक्तिशाली तो शक्ति आएगी, नहीं तो कमजोर। ओम शांति।